अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कल हमने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था, लैंडफॉर्म्स मेड बाय सी वेव्स, ठीक है। और उसका इरोशनल लैंडफॉर्म्स वाला हमने स्टार्ट किया था, जिसका पहला पॉइंट सी क्लिप्स हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम इसके आगे से फर्दर शुरू करते हैं अगला पार्ट, पॉइंट नंबर 2, केव्स। केव्स क्या होते हैं? गार, ठीक है। गार की शक्ल में होते हैं। कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस क्या होता है? मुसलसल वेव अटैक एट द बॉटम ऑफ क्लिफ क्रिएट कैविटी, ठीक है। कैविटीज कॉन्टीन्यूस यानी मुसलसल जो वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जब वो अटैक करती हैं एट द बॉटम, गहराई में किसके? चट्टानों के, तो वो क्या बनाती हैं? कैविटीज यानी उसमें सुराख बना देती हैं, ठीक है। दीज कैविटीज बाय फर्दर इरोशन ट्रांसफॉर्म इनटू केव्स। और यही जो कैविटीज होती हैं, ये जो हला होती है, ये बाद में मज़ीद इरोशन के बाद तो क्या बन जाती है? केव्स, ठीक है। मज़ीद इरोशन के बाद ये क्या बन जाती है? केव्स यानी गार की सूरत इख्तियार कर लेती है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इसका हेड लैंड एंड बे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स ऑन सी फ्रंट रिजल्ट इन अनइवन इरोशन सी। अल्टरनेट यानी जो मुतबादल हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, सख्त और नरम जो चट्टानें होती हैं, ऑन सी फ्रंट जो समंदर के सामने, किस सूरत में होती है? अनइवन यानी ऊंची नीची, ठीक है। इरोशंस की वजह से वो क्या हो जाती है? ऊंची नीचे। सी वाटर इन्वेड फर्दर इन लैंड उमंग द सॉफ्ट रॉक्स क्रिएटिंग अ बे। फिर उसमें क्या होता है कि जो सी वाटर होता है, समंदर का पानी दाखिल होता है बाद में जब इस ज़मीन के अंदर, तो वो क्या करता है? वो सॉफ्ट रॉक्स जो होता है उसको किस में चेंज कर देता है? बे में, ठीक है, बे में चेंज कर देता है। वाइल द बॉर्डरिंग लैंड कंप्राइज्ड ऑफ हार्ड रॉक्स रिमेन्स वेल हेड इन वाटर, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बॉर्डरिंग यानी सरहद होती है उस लैंड की, वो बनती है किससे? हार्ड रॉक से, और रिमेन रहती है पानी के साथ, यानी वो एक सख्त चट्टानों की सूरत में बन जाती है और किसके साथ रहती है? पानी के साथ। दिस इज कॉल्ड हेडलैंड, और वो क्या कहलाती है? हेडलैंड यानी पानी के साथ मौजूद होती है सख्त रॉक्स की किस सूरत में, वो क्या कहलाती है? हेडलैंड। नंबर 4 पॉइंट, सी आर्च एंड स्टिक्स। सी वेव्स अटैक द हेडलैंड फ्रॉम बोथ साइड्स। अब जो समंदर की लहरें हैं वो अटैक करती है, हमला करती है हेडलैंड के ऊपर दोनों तरफ से, ठीक है। दिस कॉन्टीन्यूस इरोशन, और ये जो मुसलसल इरोशन होता है, रिजल्ट इन क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द हेडलैंड। तो ये मुसलसल जब पानी की समंदर की लहरें इसके साथ टकराती हैं, तो वो क्या कहलाती है? क्रिएट क्या करती है? हेडलैंड को ओपन कर देती है। दिस लैंड फॉर्म इज कॉल्ड सी आर्च, और जब ओपन हो जाता है हेडलैंड, तो वो लैंड फॉर्म क्या कहलाता है? सी आर्च। व्हेन द सी आर्च इज डिटैच्ड, डिटैच्ड यानी उससे अलग हो जाती है सी आर्च फ्रॉम द हेडलैंड, किससे? हेडलैंड से, बाय फर्दर इरोशन, आगे का जो इरोशन होता है बाद का, उससे द
Remaining columns like structure are called stems. तो जब वो उससे अलहदा हो जाती है बाद के रोशन की वजह से, तो वो जो रह जाता है एरिया, वो जो स्ट्रक्चर होता है पूरे का पूरा, वो क्या कहलाता है? स्टेट्स। आपने क्या करना है, इसको रीड भी करना है और राइट भी करना है। इसका आगे का जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म वाला पार्ट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।